देखो थर्ड क्वेश्चन द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेन 3x माइनस 2y प्लस z इक्वल्स टू 1 एंड 6x माइनस 4y प्लस 2z इक्वल्स टू a इज 3 अपॉन 2 रूट 14 देन a इक्वल्स टू आपको क्या निकालना है a की वैल्यू आराम से देख लो क्वेश्चंस ठीक है परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेन इज गिवन वन हैज टू फाइंड द अननोन वैल्यू ऑफ a इसके अलावा ये चॉइस है उसको भी एक बार ढंग से आप लोग फोकस कर लो फिर हम लोग आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे जैसे मैंने फर्स्ट एमसीक्यू करवाया था वही एमसीक्यू के रिलेटेड ये है मतलब थर्ड वाला एमसीक्यू 3x माइनस 2y प्लस z 1 को साइड चेंज करके लिखो इक्वल्स टू 0 अब मेरी बात सुनो जो सेकेंड है वो क्या है 6x माइनस 4y प्लस 2z यहाँ पे भी a को साइड चेंज करके लिखो माइनस a इक्वल्स टू 0 परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेन के लिए कोएफिशिएंट ऑफ x y और z दोनों क्या रहने चाहिए सेम सो वो पर्पस से यहाँ से मैं 2 कॉमन निकाल लेता हूँ तो 3x माइनस 2y प्लस z माइनस ए बाई टू इक्वल्स टू जीरो तो अब मेरा फोकस ये रहेगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन दिस टू प्लेन बच्चे इसका फॉर्मूला रहता है मोड ऑफ डी वन माइनस डी टू अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अब मेरे पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस गिवन है मेरे पास पी इक्वल्स टू उसने जो देके रखा है पी इक्वल्स टू वैल्यू क्या है 3 अपॉन 2 अंडर रूट 14 तो मैं p की वैल्यू लगा देता हूं 3 अपॉन 2 अंडर रूट 14 अब d1 क्या है मेरे पास -1 d2 क्या है a by 2 अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर ऐड द कोएफिशिएंट ऑफ x y एंड z x का कोएफिशिएंट क्या है 3 स्क्वायर और -2 स्क्वायर एंड देन 1 तो 3 अपॉन 2 रूट 14 अब 2 एलसीएम ले लो तो -2 प्लस a अपॉन 2 और ये हो जाएगा रूट 14 तो बच्चों ये तो अपने आप ऐसे भी कैंसिल हो जाएगा मेरी बात समझ रहे हो तो अब मैं इसको सिंपलीफाई करने के लिए कोशिश कर रहा हूं तो देखो 3 इक्वल्स टू -2 प्लस a 3 इक्वल्स टू -2 प्लस a मोड की वजह से दो पॉसिबिलिटी होगी वन टाइम प्लस लेके चलो -2 प्लस a और करके -3 इक्वल्स टू -2 प्लस a इसको साइड चेंज करो तो a इक्वल्स टू 5 और इसको साइड चेंज करेंगे तो a इक्वल्स टू -1 तो a इक्वल्स टू 5 a इक्वल्स टू -1 तो आपकी जो करेक्ट चॉइस निकल के आएगी वो क्या होगी a 5 और -1 तो इसमें आपकी करेक्ट चॉइस जो हो जाएगी a आंसर इज देखो अब हम लोग जा रहे हैं एमसीक्यू नंबर फोर जो फोन वाला एमसीक्यू है उसको हम लोग पहले क्वेश्चन को फोकस करेंगे क्वेश्चन को हम लोग फोकस करते हैं इक्वेशन ऑफ अ लाइन विच पासिस थ्रू 0 0 0 एंड परपेंडिकुलर टू प्लेन 2x प्लस 4y माइनस 5z इक्वल्स टू 10 One is to find the equation of a line passes through origin and perpendicular to plane. The equation of a plane is given to be 2x plus 4y minus 5z equals to 10. आपके पास आपकी choice है ये बच्चों. वो choice focus कर लो एक बार. फिर मैं question का answer देना शुरू करता हूँ. अब बच्चों इक्वेशन ऑफ अ लाइन फोर्थ वाला एमसीक्यू इक्वेशन ऑफ अ लाइन पूरी फिगर से आपको आइडिया दे रहा हूं
देखो आपके पास पीडीएफ है, उसमें से भी आप लोग साथ में लेके हाथ में ये क्वेश्चन को फॉलो अप कर सकते हो कि आपका जो प्लेन का इक्वेशन है, आपका जो प्लेन का इक्वेशन है वो 2x प्लस 4y माइनस 5z इक्वल्स टू 10। तो जो प्लेन का नॉर्मल जो होता है वो कोएफिशिएंट ऑफ x y एंड z, तो वो हो जाएगा 2 4 एंड माइनस y। अब जो लाइन जो है आपकी, लाइन जो है वो प्लेन को परपेंडिकुलर है, तो ये होगा खैर लाइन का डायरेक्शनल वेक्टर। तो आप लोग क्लियरली देख सकते हो यहाँ पे कि जो डायरेक्शनल वेक्टर ऑफ अ लाइन इज पैरेलल टू अ नॉर्मल ऑफ द प्लेन। डायरेक्शनल वेक्टर ऑफ अ लाइन इज पैरेलल टू नॉर्मल ऑफ द प्लेन। तो बच्चों उसके रिगार्डिंग अगर मैं आपसे बात करूं तो, और इवन दो लाइन जो है वो कहां से पास हो रही है, ओरिजिन से, तो ये 0 0 0। तो देखो मैं जो लाइन का इक्वेशन फिलहाल कार्टेशियन आंसर कार्टेशियन में, लेकिन मैं वेक्टर फॉर्म में लिखने की ट्राई कर रहा हूं, आर इक्वल्स टू ए प्लस लैम्बडा इनटू एल। अब आपका ए जो होगा वो 0 0 0, और एल किसके बराबर होगा, एल इक्वल्स टू एन, और नॉर्मल वेक्टर क्या है, 2 4 n - 5। तो रिगार्डिंग दिस अब मैं जो लिखने की ट्राई कर रहा हूं, आर इक्वल्स टू 0 0 0 प्लस लैम्बडा इनटू 2 4 - 5। अगर इसको मैं कार्टेशियन में कन्वर्ट कर, दिस आर योर x1 y1 z1 एंड दिस आर योर l1 l2 l3। बच्चों जानबूझ के मैं डिटेल में जा रहा हूं जिसके चलते आपका थोड़ा रिवीजन भी ढंग से हो जाए। अब कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ अ लाइन क्या, x - x1 l1 y - y1 l2 z - z1 l3। तो x - 0 2 equals to y - 0/4 equals to z - 0/-5। तो x/2 y/4 z/-5। तो ये जो होगा वो इक्वेशन ऑफ अ लाइन परपेंडिकुलर टू प्लेन, और एज पर माई नॉलेज इसकी जो चॉइस निकल के आएगी वो कौन सी हो जाएगी, डी। बंद करें।